अक्सर त्योहारों के समय लोग खान पान के प्रति लापरवाही बरतते हैं। ऐसे में डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको इससे बचाव के सभी उपायों पर गौर करना बहुत जरूरी है। डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के खाए गए भोजन से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और खून में ग्लूकोज सामान्य से अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम शरीर में हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे मामूली जख्म भी जल्दी ना भरना, अचानक वजन कम होने लगना, बार बार असामान्य रूप से भूख और प्यास लगना, आंखों की रोशनी में फर्क आना, बेवजह थकान महसूस होना, बार बार पेशाब आना आदि इसके लक्षण हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि डायबिटीज़ या शुगर, इनको कंट्रोल कैसे करें। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, डायबिटीज़ केवल अत्यधिक मीठा खाने से ही नहीं होती, बल्कि तनाव, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर भी डायबिटीज़ होने का एक कारण हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपको तकलीफ है उसका इलाज जरूर करें। यदि बीपी संबंधित कोई समस्या है तो अपना बीपी नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। अपने वजन को नियंत्रण में रखें। कोशिश करें कि नियमित रूप से अपना पसंदीदा खेल, योग आदि आप जरूर करें। अपने खान पान में संतुलित आहार लें। फास्ट फूड का सेवन ना करें। प्रोटीन व फाइबर युक्त आहार आप लें। अधिक मीठा खाने से परहेज करें। अपना एक डाइट प्लान बनाएं, उसे फॉलो करें। घर व दफ्तर में सामाजिक दबाव के चलते खान पान और रहन सहन की आदतें आप खराब ना करें। बीड़ी, सिगरेट, शराब या किसी भी प्रकार का नशा ना करें। तनाव को नियंत्रण में रखें। जीवन के प्रति सकारात्मक रूप अपनाएं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी सही रखें। इस प्रकार के तरीके अपनाकर हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं।